नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में बिहार टीचर भर्ती आने वाली है, तो बिहार टीचर भर्ती में पीजीटी इतिहास में, मैं सिर्फ और सिर्फ पीजीटी इतिहास की बात करूंगा कि पीजीटी इतिहास में कितने पद आ सकते हैं, कितने पद आ सकते हैं। मतलब कि अभी तो 691 जो लिस्ट आई हुई थी आप लोगों ने देखा, लगभग 700 पद थे, तो अभी कितने सीटें रिक्त हैं और कितने सीट ऐड हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग पूर्व की जो भर्तियां हैं, लगभग 57,000 भर्ती थी पीजीटी इतिहास की, पीजीटी इतिहास नहीं सिर्फ और सिर्फ पीजीटी की थी 57,000 वैकेंसी, जिसमें पीजीटी का लगभग 5800 पोस्ट था, लगभग 5800 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ पीजीटी का था। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 2700 लोग सिर्फ और सिर्फ पीजीटी इतिहास के लिए आवेदन दिए हुए थे, लेकिन पास होने वालों की संख्या जो है, जो सफल होने वालों की संख्या है 2500 है, 2500 केवल 2500, मतलब 5800 सीटें थी और सिर्फ और सिर्फ 2500 लोग इसमें मतलब क्वालिफाई किए हैं, 2700 या 3000 लोग आवेदन भी किए थे, तो लगभग 2500। कुल मिलाकर रिजल्ट अच्छा रहा, ऐसी बात नहीं है कि रिजल्ट बहुत खराब रहा है, जितने लोग आवेदन किए थे उसमें ज़्यादा 80-85% लोग सफल हुए हैं। तो मतलब 2500 सीटें भर दी गई हैं, 5800 में 2500 सीटें भर दी गई हैं। अब 5800 में 2500 अगर आप माइनस करेंगे तो लगभग 3300 आएगा, मतलब 3300 सीटें अभी आपकी रिक्त हैं, सिर्फ और सिर्फ इतिहास सब्जेक्ट की, सिर्फ और सिर्फ इतिहास सब्जेक्ट की 3300 सीटें आपकी रिक्त हैं। और जैसा कि हमने बताया कि पूर्व में आप लोगों ने देखा जो निकला हुआ था, लिस्ट निकली हुई थी, उसमें 700 पद थे, तो कुल मिलाकर 3300 + 700 कुल मिलाकर 4000 पदों पर, लगभग 3900 से 4400 कुल मिलाकर 4000 पदों पर भर्ती आपको देखने को मिल सकती है पीजीटी इतिहास की। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही था लोगों का कि कितने पदों पर भर्ती आ सकती है, तो लगभग 4000 पदों पर भर्ती आएगी, क्योंकि बहुत जो पूर्व में जो भर्ती निकली हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा सीट अगर आप लोगों को नहीं पता है तब मैं बता रहा हूँ कि पीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबसे ज़्यादा सीट सिर्फ और सिर्फ इतिहास सब्जेक्ट में थी 5800, ठीक है, और उसमें 2500 फिल हुआ है, और इस तरह से 3300 सीटें बची, और इस सीटों जो अभी निकलेगी इसको जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर 700, कुल मिलाकर 4000 पदों पर यह भर्ती देखने को मिल सकती है। और कैंडिडेट कितने हैं तो आपको बता दूं, 15000 लोगों ने पास किया है स्टेट परीक्षा इतिहास सब्जेक्ट में, 18000 लोगों ने आवेदन दिया था, 15000 लोग पास किए हैं होकर, या मान लीजिए 2000-2500 पहले भी पास होंगे, 2000 और मान लीजिए, कुल मिलाकर 17000 मानिए, मतलब 17000 लोग पीजीटी इतिहास में पार्टिसिपेट करेंगे इस बार, और पदों की संख्या कितनी होगी, 4000 होगी, कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा पद हैं, बेहतरीन परिणाम है और बेहतरीन परिणाम आप लोग दे सकते हैं। एक बात और आप लोगों से कहूँगा, आप जो भी लोग सीरियस हैं पीजीटी के प्रति, जो भी लोग सीरियस हैं बिल्कुल लग जाइए, टेलीग्राम बिल्कुल बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी लोग देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं ध्यान से देखिएगा, जितने भी लोग देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं, अगर इतिहास सब्जेक्ट है आपका तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेजोड़ तरीके से होगी, और यह बात और आपको बता दूँ, इस पूरे यूट्यूब पर अगर पीजीटी इतिहास या टीजीटी इतिहास का जबरदस्त रामबाण मटेरियल अगर कोई दे रहा है तो हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट दे रहा है, आप लोग पूर्व में जो वीडियो हैं आप लोग जाकर दे सकते हैं, लोगों का फीडबैक लेकर दे सकते हैं। सिर्फ 15 से 20 दिन की तैयारी में सभी लोगों का स्टेट क्वालिफाई किया हुआ है, लगभग 97-98 लोग, लगभग 97-97 लोग यहाँ पर हमारे द्वारा बिहार स्टेट की परीक्षा के लिए मटेरियल लिया हुआ था पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, और सब के सब लोग सफल हुए हैं, कोई एक सिंगल बंदा या बंदी आकर नहीं कह सकता है कि वह असफल रहा हो, अनुत्तीर्ण रहा हो बिहार स्टेट में, यह गारंटी मैं लेता हूँ। और यही सेम का सेम रिजल्ट झारखंड में भी मिला, जबरदस्त रामबाण मटेरियल दिया गया झारखंड पीजीटी का, जब परीक्षा हुआ था उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित ज़्यादा प्रश्न आए हुए थे, ठीक है, तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, परिचय की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद समझ सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और पीजीटी के प्रति जो भी लोग गंभीर हैं सीरियस हैं, 799 रुपये का कोर्स है, 799 का आप लोग परचेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और टेलीग्राम ग्रुप भी है, और आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जिनको भी कोर्स लेना है 799 का कोर्स लेना है वह लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी होगी। और
9 to 12 की पूरी पूरी एनसीईआरटी, पूरी पूरी एससीईआरटी, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पूरा टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी और एससीईआरटी का 9 to 12 का पूरी पूरी नोट्स मिलेंगे। एक एक चैप्टर का जबरदस्त तरीके से लेक्चर्स दिया जाएगा और प्लस उसके नोट्स दिए जाएंगे। और साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नू का पीजी का नोट्स, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट का पूरा जबरदस्त मटेरियल आप लोगों को दिया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि इतिहास की जो भी पुस्तकें हैं, जैसे बिपिन चंद्रा हुए, सतीश चंद्रा हुए, रामचरण शर्मा हुए, बी एल ग्रोवर हुए, ठीक है, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव हुए, जो भी बड़ी बड़े सर्वमान्य पुस्तकें हैं अच्छे अच्छे राइटरों का, उनका समग्र विश्लेषण करने के बाद हमने जो मटेरियल तैयार किया है वो मटेरियल हम आप लोग के सामने रखेंगे। तो यह बात आप जान लीजिए। और यह देखिए, मैं आप लोगों को पूरे यकीन के साथ बोल दे रहा हूँ कि अगर आप 100% फॉलो करते हैं, 100% आप भरोसा करते हैं, 100% हमारे मटेरियल को देखते हैं, चाहे आपका लेक्चर वीडियो के रूप में मिलता हो, चाहे टेस्ट सीरीज के रूप में मिलता हो, चाहे पीडीएफ के रूप में मिलता हो, नोट्स के रूप में, अगर आप उसे फॉलो करते हैं 100%, तो आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा, आपका सफलता सुनिश्चित है, ठीक है। तो जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, 799 रुपये का कोर्स है, पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा। साथ ही साथ बता दूं, EMRS के लिए जो लोग आवेदन किए हुए हैं उन लोगों को भटकने की आवश्यकता नहीं है, NCERT के चैप्टर्स को ही EMRS PGT का चैप्टर बना दिया गया है, ठीक है। तो EMRS की तैयारी भी साथ ही साथ इसी कोर्स में आपकी होगी, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।